स्वागत है आपका डेकोरेशन हमारा। आज हम अनबॉक्स करने वाले कुछ नया, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास अमेजन की पैकेजिंग है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता, सीधा हम उसको ओपन करेंगे। और आपको टाइटल से तो वैसे भी पता चल ही गया होगा कि इसमें क्या है। तो हाँ, तो हियर वी हैव आर अमेजोन का फायर टीवी स्टिक लाइट। तो ये जो है ये 2023 का लाइक न्यू वर्जन का जो फायर टीवी स्टिक है वो है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना रिमोट कंट्रोल पे इस पर हॉट कीज भी मिलती है, जो 2023 का वेरिएंट है। और यहाँ पे इसकी अगर मैं प्राइस दिखा दूँ तो इसकी प्राइस यहाँ पे 3999 है, बट आपको ये इतना महंगा नहीं मिलेगा। और इसके बॉक्स में बाकी कोई चीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ फिल है एंड नथिंग एल्स। तो आपको सीधा यही बॉक्स मिलेगा अमेजोन की पैकेजिंग में, और ऐसा कुछ ही देखने के लिए मिलता है। फायर टीवी स्टिक लाइट लिखा हुआ है, स्टार्ट स्ट्रीमिंग। और ये और फायर टीवी स्टिक थर्ड जनरेशन में आपको लाइक 1000 rupees का डिफरेंस है, बट आई डोंट थिंक दैट 1000 rupees वर्थ, अगर आपको अनलेस एंड टिल यू हैव अ गुड टीवी एंड आपको लाइक प्रॉपर सेटअप चाहिए स्मार्ट टीवी वाला। सो इन दैट केस आपको वो खरीदना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ऐसे कुछ देखने के लिए मिलता है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं फट से। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पुल टैब देखने के लिए मिलता है, सभी लोग ये वाली टेक्निक यूज़ कर रहे हैं आजकल। एनीवेज, तो सीखते ऐसे कुछ यहाँ पे हम इसका सील ओपन किया हमने, टिकट अप ओवर हियर। तो ऐसे कुछ बॉक्स है, तो जैसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें एक बॉक्स देखने के लिए मिलता है जिसमें आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो इसमें बाकी और कुछ नहीं है, तो ऐसे कुछ देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको एक छोटा बॉक्स मिलता है जिसमें आपको मिल रहा है, ओके, सो आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे एक पावर अडेप्टर और दो ट्रिपल ए बैटरीज, आप बोल सकते हैं या ट्रिपल ए बैटरीज रिमोट कंट्रोल के लिए। और आपको इस बॉक्स में कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको और एक बॉक्स मिल रहा है जिसको हम ओपन करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं। ओके, ये साइड में आपको बाकी सारी चीज़ें मिलती है। तो ये है इसका HDMI का एक्सटेंडर, तो अगर आपके टीवी या फिर आपका मॉनिटर जो है उसमें अगर इनपुट पोर्ट ऐसे लाइक हॉरिजॉन्टल है तो आप इसको यूज़ करके इसे बैंड करके इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको रखते साइड में। और बहुत सारी चीज़ें वैसे देखा जाए तो इसमें ये आपके एक्चुअल फायर टीवी स्टिक है, आप देख सकते हैं ऐसे कुछ देखने के लिए मिलती है। इसको रखते साइड में आपको यहाँ पर फिर मिलता है माइक्रो USB केबल, फ्रॉम USB-A टू माइक्रो USB केबल। उसके बाद फर्दर इसमें मिलता है ये जो है ये एक्चुअल रिमोट है, आप देख सकते हैं ऐसे कुछ रिमोट देखने के लिए मिलता है। आपको यहाँ पे हॉटकीज देखने के लिए मिलती है। तो पहले का जो फायर टीवी स्टिक लाइट था उसमें आपको ये हॉटकीज नहीं मिलती थी, बट अभी आपको फायर टीवी स्टिक में सॉरी लाइट में हॉटकीज भी मिलती है। एंड आई थिंक इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो फायर टीवी स्टिक लाइट। और ये जो है एक्चुअली इसका यूज़र मैनुअल है, हम कैसे इसको सेटअप करेंगे और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये मैं पढ़ के आपको बताऊँगा। तो ऐसे कुछ आपको कंपोनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये ऐसे कुछ मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा एक्चुअल फायर टीवी स्टिक आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड दिस इज द एक्चुअल रिमोट कंट्रोल दैट वी गेट टू कंट्रोल दिस वन। अब इसमें आपको क्या फ़र्क मिल रहा है, जो इस थर्ड जनरेशन और जो फायर टीवी स्टिक लाइट है इसमें आपको पावर बटन नहीं मिलेगा और वॉल्यूम अप डाउन कीज़ नहीं मिलेगी। तो ये रिमोट से आप टीवी को कंट्रोल नहीं कर सकते, टीवी का रिमोट आपको सेपरेटली रखना पड़ेगा जिससे आप टीवी को टर्न ऑन एंड ऑफ करोगे और उसका वॉल्यूम कंट्रोल करोगे। तो ये सिर्फ फायर टीवी को कंट्रोल करेगा, लाइक आप अप डाउन कर सकते हो मेन्यूज या फिर एप्स बेसिकली कंट्रोल कर सकते हो या फिर फायर टीवी कंट्रोल कर सकते हो, बट फॉर टीवी यू हैव टू यूज़ योर टीवीज रिमोट। उसके बाद आपको ये HDMI का एक एक्सटेंडर मिल रहा है, एंड रेस्ट यही चीज़ें थी। तो पूरे बॉक्स कंटेंट्स में तो इतनी ही चीज़ें थी। आपको इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, आपको जो ये है आपके डायरेक्टली टीवी के HDMI पोर्ट में कनेक्ट करना है। अगर आपके इसमें हॉरिजॉन्टल पोर्ट है तो आपको ये एक्सटेंडेड यूज़ करके ऐसे आप लगा सकते हो। लेट मी क्विकली शो यू, बता ही देता हूँ मैं आपको। तो हम क्विकली देखते हैं, तो ऐसे कुछ ये स्टिक देखने के मिलता है। तो ऐसा ये स्टिक है, और इसको आपको ये कनेक्टर में कनेक्ट करना है, वन वे ही कनेक्ट होगा। तो ऐसे इसको कनेक्ट करना है, कनेक्ट हो जाएगा ये, आपको सिंपली आपके टीवी में कनेक्ट करना है। एंड ये इसका रिमोट है, तो मैं आपको रिमोट भी दिखा देता हूँ। और जो बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी सही लग रही है मुझे देखा जाए तो। आप देख सकते हैं ऐसे कुछ रिमोट देखने के लिए मिलता है, काफ़ी सही है वैसे, क्वालिटी तो काफ़ी नाइस लग रही है। और जब हाथ में पकड़ते तो काफ़ी से लाइक ईजी एंड
काफ़ी सही लग रहा है ऐसे देखा जाए तो। आप उसको क्विकली आप स्लाइड करके इसमें आप दोनों भी जो डबल AA बैटरीज रखी है आप इसमें रख सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ इसका रिमोट लगता है आपको, सिंपली इसके बाद जो माइक्रो USB केबल है आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, एंड आपको जो गिवन सप्लाइड जो अडेप्टर है आपको यही अडेप्टर यूज़ करना है। आपको TV के USB पोर्ट में इस वायर को नहीं लगाना है क्योंकि इसके जो करंट रेटिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा है जो आपका TV आउटपुट नहीं कर सकता है, इसलिए आपको डेडिकेटेड एक अडेप्टर मिलता है तो इसको आपको अलग से दूसरे प्लग में कनेक्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रन दिस TV स्टिक, वरना ये TV स्टिक कुछ टाइम बाद में भी ख़राब हो जाएगा या फिर आपका TV का USB पोर्ट भी ख़राब हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसका जो कंप्लीट सेटअप वीडियो आपको मिल जाएगा जल्दी, तो इस अनबॉक्सिंग वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड या आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। So yeah.